बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाखों करोड़ दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके आले औलाद पर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई दीन नवाब। आप देख रहे हैं पंजाबी चस्का फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं जी फ्रूट चाट। तो इसके अंदर कुछ लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंगूर ले लिए, आम ले लिए, अनार लिए। तो बाकी जो है ये फल है, मैं इसको काट लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको इसके अंदर और भी जो भी फल पसंद है वो डाल सकते हैं, साथ में इसके अंदर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं, अगर आपको दही वाली पसंद है वो डाल सकते हैं, क्रीम वाली पसंद है वो डाल सकते हैं, जिस तरह आपका मन चाहे। तो मैं इसकी कटिंग मुकम्मल कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब आ गई जी केले की बारी। तो मैं इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर रहा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ मैं इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसके अंदर मैं जी चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा सारा फल जो है वो तकरीबन मीठा है, तो मैं वो इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसके अंदर मैं डालूंगा जी मीठे का जूस, ये एक मीठे का जूस डालूंगा, ज्यादा नहीं डालूंगा बस। तकरीबन थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, और साथ में डालेंगे नमक।